नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने को मिला होगा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोस्तों आपकी राशि वाले जितने भी जातक हैं, शनि के साढ़े साथी में किस प्रकार के परिणाम आप सभी को प्राप्त होते हैं। जी दोस्तों, शनि की साढ़े साथी में संघर्ष, कठिनाइयाँ, मुश्किलें आखिर आपके पास क्यों आती है। सर दोस्तों, आपकी राशि के जो भी जातक है आपको बता दें कि शनि के साढ़े साथी से आपको कब तक छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शनि के साढ़े साथी में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो दोस्तों आपको उनके लिए कौन से उपायों को करना चाहिए, इस वीडियो में हम सभी जानकारियाँ देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन बस यही रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जो भी शनि के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, दोस्तों यकीन मानिए भगवान शनि की असीम कृपा आपके जीवन काल पर भी प्राप्त होगी। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशि का जो स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा मानवतावादी होते हैं, दया भाव के आप इंसान होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों में जो एक खूबी होती है वो लोगों की मदद करने का आपको जो मन है बहुत ही करता है। जी दोस्तों, थोड़ी आप जिद्दी भी होते हैं, हठीली भी होते हैं, जिस काम में आप मन को आप अड़ा लेते हैं तो दोस्तों वह कार्य को आप करके ही छोड़ते हैं। जी दोस्तों, कद में आप समान रहते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी देखने को नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों गेहुआ रंग के होते हैं, हंसमुख स्वभाव हमेशा रखते हैं, हमेशा लोगों को प्रसन्न रखना और लोगों को हंसाते रहते हैं। जी दोस्तों, ये आप सभी का समान स्वभाव है। इसी के साथ दोस्तों आपका एक गुण और भी है कि दोस्तों आप घुल मिलकर सभी के साथ रहना चाहते हैं, पूरे परिवार को आप एकजुट रखना चाहते हैं। जी दोस्तों, इसी प्रकार आपकी राशि का जो है स्वभाव होता है, इसी के साथ दोस्तों थोड़ा आप क्रोधित भी होते हैं। जी दोस्तों, हालांकि जल्दी आप क्रोध दिखाते नहीं हैं और अगर आपको एक बार क्रोध आ गया तो दोस्तों फिर आपको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार का आपका जो सामान्य स्वभाव होता है। जी दोस्तों, आइए इसी के साथ बात करते हैं कि शनि के साढ़े साथी में आपको किस प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ा है, यूँ कहें शनि के साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवनकाल में किस प्रकार हुआ है। जी दोस्तों आपको बता दें कि साढ़े साथी में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, आपकी तरक्की थम सी गई है, आपने जो कार्य सोचा है वह कार्य अभी तक सफल नहीं हुआ है। जी दोस्तों, साढ़े साथी के बाद कुछ उसके पहले आपके मन में जो भी इच्छाएं आप रखते थे उसे आप कर भी नहीं पाए हैं। आप अपने जीवन काल में सभी प्रकार के अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे थे, जो भी आप अपने काम करते थे उसमें आपको सफलता मिलती थी, लेकिन दोस्तों जब से शनि की साढ़े साथी लगी है कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने लगा है, कठिनाइयाँ होने लगी है और दोस्तों सब कोई जो है आपका साथ भी छोड़ने लगे हैं। जी दोस्तों, आर्थिक तंगी का आपको जो है सामना करना पड़ा है साढ़े साथी के बाद। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सपोर्ट भी आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपका परिवार नहीं है, दोस्तों परिवार है, लेकिन दोस्तों उनका जो सपोर्ट है आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है जिस प्रकार आपको पहले मिलता था। जी दोस्तों नकारात्मक सोच रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ साढ़े साथी का प्रभाव है और यह बहुत ही जल्द आपके जीवन काल से भी खत्म हो जाएंगे। जी दोस्तों, दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि यह शनि के साढ़े साथी में आपको कार्य करने में मन नहीं लग रहा होगा, आपको कार्य बदलने की स्थिति यश में बन रही होगी, नौकरी में भी आपका जो नौकरी करते हैं वह भी छूट चुका होगा या फिर नौकरी छूट भी गई होगी। जी दोस्तों, इसी के प्रकार दोस्तों कई प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं शनि के साढ़े साथी में। जी दोस्तों, अगर आपके भी जीवन काल में ऐसी स्थितियां बन रही है, दोस्तों अगर आपको यह बातें आपके ऊपर सटीक बैठ रही है तो दोस्तों वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि शनि के साढ़े साथी में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जी दोस्तों, पिछले आपने जो सुने हैं वे परिणाम तो आपके साथ हो चुके हैं, लेकिन अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से परिणाम होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि शनि की जो साढ़े साथी होती है वह साढ़े सात साल की होती है, इन्हें तीन चरणों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। और आप सभी के जीवन काल में जो साढ़े साथी चल रही है वह पहला है जो कि ढाई साल का है और यश में आपको कौन से प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, पहला चरण में कहते हैं कि जातकों को मस्तिष्क पर असर होता है, मस्तिष्क पर इससे आर्थिक स्थिति, सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब साढ़े साथी लगती है तो दोस्तों उनका पहला चरण ढाई वर्ष का होता है और यश में आपको किस प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक तंगियां आपके ऊपर घिर जाती है, सेहत पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है।
चिंता, तनाव और नींद की समस्या आपको यश में अवश्य हुई होगी और होने वाली है जी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच संबंधों पर भी बुरा असर इनका पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपके साथ खड़ी हुई होगी। तो दोस्तों ये बातें आप जान गए हैं कि किस प्रकार की समस्या आपके पिछले जीवन काल में हुई है और किस प्रकार की समस्याएं शनि की साढ़े साथी में होती है। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं। दोस्तों अगर आप उन 2% लोगों में से नहीं हैं जिन्हें शनि के साढ़े साथी में लाभ हुए हैं, अगर आपको भी शनि के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, शनि के दुष्प्रभाव को आप झेल रहे हैं, तो दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए ताकि दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन काल में यश में भी रहे, आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर ध्यान से कीजिएगा, भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन काल पर होगी और आप जो है समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। जी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपको 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया का दान करना चाहिए। जी दोस्तों ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं, आप इन्हें कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जो भी अंधे लोग हैं समय समय पर दोस्तों उनको खाना खिलाते रहना चाहिए। साढ़े साथी की अवधि में आप इन उपायों को करें। दोस्तों कहते हैं कि जिनके भी जीवन काल में ऐसे स्थिति आती है दोस्तों उन पर शनि का प्रभाव रहता है और यश में अगर आप उनकी मदद करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और दोस्तों आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपको जो भी दुष्प्रभाव है उनमें कमियां आपको नजर आएंगी। तो दोस्तों इन उपायों को भी आप ध्यान से कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जो भी सफाई कर्मी हैं, जो भी मजदूर हैं और विधवा है दोस्तों इनको भी आप कुछ ना कुछ जितना आपसे हो सके दोस्तों उतना आप दान पुण्य जरूर करें। जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों आपको कौन सी बातों का यश में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार शनि के साढ़े साथी में आप अगर गलती कर देते हैं तो दोस्तों उनका जो दुष्प्रभाव होता है आपके ऊपर अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिससे दोस्तों आपका जो चिंता है वो और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यश में जो भी मजदूर है, सफाई कर्मी है या फिर विधवा है, जो भी अपंग व्यक्ति है दोस्तों उन पर आपको किसी भी प्रकार का छल नहीं करना है और उन पर जो है किसी भी प्रकार का अपमानजनक शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इन सभी पर जो भगवान शनि की साढ़े साथी होती है और इनका जो जीवन होता है बिल्कुल ही कष्ट से भरा होता है। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप इस पर कोई भी अपमानजनक शब्द कहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप शनिदेव को ही छेड़ देंगे और इनसे दोस्तों आपके भी जीवन काल में भी नकारात्मक परिणाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप इन बातों को जान चुके हैं कि शनि के साढ़े साथी के दौरान आपको कौन से उपाय को करना चाहिए, कि शनि मंदिर में छाया का दान करना चाहिए 11 शनिवार को, और साथ ही जितने भी गरीब मजदूर, सफाई कर्मी, विधवा, इन सभी को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। साथ दोस्तों इसके साथ ही एक और उपाय है कि आप हनुमान जी के चरण में आप अवश्य जाएं। जब तक आपके जीवन काल में शनि की साढ़े साथी चल रही है तब तक दोस्तों हनुमान के मंदिर में आप जाएं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। दोस्तों इन सभी उपायों से आप सभी के जीवन काल में जो शनि की साढ़े साथी वो काफ़ी हद तक कम होगी और आपके जीवन काल में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाने कि शनि के साढ़े साथी में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए, शनि के साढ़े साथी में किस प्रकार के परिणाम होते हैं और शनि के साढ़े साथी में आपको कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों और इससे अधिक जानकारियाँ आप तक समय समय पर आती रहे और अपने जीवन काल में आप समस्याओं को दूर कर सकें। जी दोस्तों धन्यवाद।